ये है अरबाज भाई जो अजमेर से आए हैं। तो अरबाज भाई बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम अरबाज अली है और मैं अजमेर के एक गांव है दोराई और ब्यावर रोड पर पड़ता है, मैं वहाँ रहता हूँ। और अपने डिम्पल भाई से मैं चार पट्टे लेने के लिए आया हूँ। बाकी जो है आपने एडवांस जो मैं कराया था, एडवांस पेमेंट तो मैंने 2000 रुपये डिम्पल भाई को करवा दिया था। और आज पट्टे ले जाने लायक हो गए तो संडे को मैं आया इनके घर पे पट्टे लेने के लिए। और मैं दोस्तों मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भाई संडे को ही टाइम मिल पाएगा, बल्कि आज भी मेरे पास टाइम नहीं है। और भाई भाई को मैंने बोल दिया था कि भैया थोड़ा सा आप जल्दी आ जाना। और हुआ क्या था कि इन्होंने पहले भी कुछ मुर्गे वगैरह मंगवाए थे, वो किस तरीके से आते ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता ही है। तो मेरे सबसे भी कई लोग कहते हैं भाई ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी आपके, मैं मना कर देता हूँ कि भाई आपको आना पड़ेगा। क्योंकि हकीकत बताओ दोस्तों, आप अगर मेरे पास आके पट्टे लेके जाओगे ना तो आपको उसकी कदर करोगे, दूसरा जो है ना वो कदर नहीं करता, वो तो ऐसे फेंकेगा सामान की तरह। और वो इनके साथ हो चुका है, इन्होंने अभी 15,000 रुपये के 2 मुर्गे के बच्चे मंगाए थे, पैरट नस्ल के होते हैं, और वो दोनों बच्चे इनके भर गए। वो बता रहे हैं कि कैसे मतलब फेंक रहे थे बिल्कुल, गाड़ियों से बिल्कुल ही मतलब बेकदरी कर रहे थे। और जो पार्सल था उसको ऐसे जानवरों की तरह पटक रहे थे कि ऐसे फेंक दो, निकाला और यूँ फेंक दिया बाहर। तो ये दोस्तों ये यही चीज़ें होती है। तो इसलिए मैं कहा कि भाई अब मैं ट्रांसपोर्टेशन करनी, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्टेशन का हमारे क्लब के भी कई लोगों ने जो कबूतर मंगवाए ना ट्रेनों से, वो सारे के सारे मर गए, बहुत कम बचते हैं। तो मैं आपको पहले अरबाज भाई का दिखाता हूँ कबूतर कौन से हैं। एक तो हमारा ये जो नर है ना, सूरज भाई का नर है, ठीक है, इसके 2 बच्चे दे रहा हूँ मैं अरबाज भाई को, जिसमें कि एक ये ब्लू बार है, ये अरबाज भाई को दिए जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं अभी। और बता दिया मैंने कि भाई किस तरीके से देखभाल करनी है, दाना पानी इन्होंने खा लिया है और अभी देखेंगे तो रोएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। लेकिन साइज वगैरह कैसा है अरबाज भाई को बताओ आप। साइज तो मतलब इनका ऐसा है कि गोले पटियाले से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, मतलब बच्चों का भी साइज देखो ना, अभी देखो इसके रोएं भी ख़त्म नहीं हुए हैं। रोएं भी अभी ख़त्म नहीं हुए हैं और बच्चों का साइज ऐसा है जैसे गोले पटियाले। ये देखिए एक ही बच्चा है, और एक बच्चा मैं अरबाज भाई को दे रहा हूँ ब्लैक घूमर, जो कि यूनिक ही है, जल्दी मिलते नहीं है। और इसके भी देखें तो आप पूरे रोए, बॉडी में पूरे रोए हैं। और ये भी मैं इनको दे रहा हूँ, तो इसको लेके जाने पर उसकी परवानगी जोतनी पड़ेगी आपको। इसके बाद एक ही बच्चा दे रहा हूँ मैं इनको, ठीक है, इसके भी रोएं ख़त्म नहीं हुई हैं, बॉडी पे पूरे रोए हैं। और ये दोस्तों देख लो छोटे से बच्चे हैं, और इतने तो बच्चे भी अगर आप देखो तो उनकी ये इस तरीके से उड़ रहे हैं, यानी कि इतना बड़ा जो छोटा बच्चा भी है ना इसकी रनिंग अच्छी है। ये तो दाना वाना अपना उन्होंने खा रखा है। एक बच्चा मैं ये दे रहा हूँ अरबाज भाई को, दाना उन्होंने पूरा भर रखा है, टेल बैलेंसिंग देख लीजिए। और रोएं इसकी भी पूरी रोएं हैं, ठीक है। और ये 4 बच्चे हो गए, और एक बच्चा मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ उनको, जो हमारे प्योर कलपोटे के बच्चे हैं, एक वो काला वाला बच्चा लेकर आ, क्योंकि अब अरबाज भाई आए हैं हमारे लिए भी गिफ्ट लेकर आए थे, तो इनको भी हम एक गिफ्ट दे रहे हैं। तो वो जो सही है ना वो वाला दिया, वो छोड़ दे, काला वाला बच्चा लिया। आप ठीक है ना इसके लेते उनकी, हाँ लिया लिया। ये देखिए इसने पैंट भी पहन रखी है, कच्चे में ही है। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो बनती है, कैमरामैन ऐसे हमारा गर्मी रखी तो खा देता है। ये दोस्तों हमारे पास कलपोटन का बच्चा है, और जो माँ बाप की जो ब्लड लाइन है ना वो बच्चों में नज़र आती है, अरबाज भाई देखना, ठीक है ना, पूरा आँख रेड मिक्स है। और इसके भी अभी बच्चों के ना अभी रोएं ख़त्म नहीं हुए हैं। और इसमें क्या था कि गलती से रिंग डल गई थी, तो अब हम ऐसे ही दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अरबाज भाई को दे देंगे। बाकी जो दाने वगैरह हो रहे हैं ना अरबाज भाई, इसकी सेप्ट्रोन की गोली आती है वो देना, बिल्कुल ये ठीक है। और वैसे भी इंजेक्शन वगैरह लगा रखे हैं इसके, और ये ठीक है। ये देखिए, तो ये हम अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं कि भाई अरबाज भाई ले जाओ।
आप इसके इस बच्चे की भी देखो वाइब्रेशन कितनी है बॉडी के अंदर, टेल बैलेंसिंग वगैरह भी अच्छी है और पटियाले हैं क्योंकि हुमर जो है ना अरबाज भाई, पटियाले भी हुमर से ही निकले हैं तो कहीं ना कहीं 50% 40% 60% रहता ही रहता है। और इसके अंदर हमने चार थे लेकिन अब पांच कर दिए हैं और ये दिखाओ कैसे किस तरीके से करा जाए। देखो दोस्तों इस तरीके से हमने इसके अंदर छेद कर दिए हैं, चारों तरफ से वेंटिलेशन अच्छी हो। बाकी बस में जब जाओगे ना तो कोशिश करना कि अगर बैग से निकाल दो ना वो बढ़िया रहेगा, बैग निकाल कर अपना फोल्ड करके रख लेना और इसको खुले में रख लेना तो बढ़िया रहेगा क्योंकि ये डब्बा थोड़ा छोटा है लेकिन इसमें चले जाएंगे आराम से। तो दोस्तों पैक हो रहे हैं अजमेर के लिए और फिर बता दूं दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं है नहीं, आपको आना पड़ेगा। दोस्तों ये भी जुगाड़ी करके बना बनाया है इसमें ताकि हवा जो है प्रॉपर लगे और अपना ना जब बस में बैठोगे तो इसको क्या करना है वो कर देना बाहर ही निकाल देना थैले से, थैले में मत रखना ठीक है, ऐसे बाहर निकाल देना अपना वेंटिलेशन सही रहेगी आराम से चला जाएगा। पैक कर दिया है हमने और वेंटिलेशन के लिए हमने हर जगह इस तरीके से कर दिया है और ये तरीका मुझे आया था जब मैंने एक एक काट रहा था ना तो फिर मैंने इस तरीके का औजार बना दिया है ठीक है, तो अपना आराम से इसमें कट जाता है। तो आवाज़ भाई कैसी लगी पैकिंग? पैकिंग तो बढ़ गया है ठीक है ना, बस बस में जाओगे ना जब तो उनको बाहर निकाल देना हाँ। ठीक है, एक था कि भाई हमारे पास जो भाई आ रहे हैं और जितने भी अभी और लोग लेके गए हैं तो उनको भी मैं सर्टिफिकेट दूंगा इसी तरीके का कि भैया आप ले जाओ, क्योंकि उस टाइम क्या था बनकर आए नहीं थे, अब जितने भी लोग आएंगे उनको मैं सर्टिफिकेट देता रहूँगा भैया आप सर्टिफिकेट है, ये प्रूफ होता है कि हाँ भी मेरे पास ले गए हैं ठीक है। और बाकी जो भी आपके कमेंट हैं और ये जो बीच के जाल का जो कबूतर है वो स्टार्टिंग होगा और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अभी क्या है थोड़ा काम के चक्कर में दोस्तों फंसा पड़ा हूँ कि आपको पता भी पैसे से सारे शौक होते हैं और पैसा सब कुछ है इस टाइम को, कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं है, तो मेहनत कर रहे हैं भाई। बाकी पट्टे वट्टे सारे ओके हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं तो इसी तरीके से मैं बना करूँगा। बाकी अरबाज भाई आए हैं तो आप भाई लेके जा रहे हो पट्टे, आपको बताया जैसे वैसे ही करना है, फिर जैसे भी पट्टे उड़ेंगे उड़ने लग जाएंगे ना फिर मुझे वीडियो बनाकर आप ज़रूर देना ताकि मैं उसको अपने भाइयों को दिखा सकूँ, क्योंकि मैं आपको कोई भी आपको मैं कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं बता रहा ना कि आप ऐसा बोलो जो है चीज़ें ठीक है, ये उसी तरीके से हैं
और स्टार्टिंग में मैंने भी इनको बहुत कम रेट में बच्चे दिए कि भाई आप ले जाओ, शौक करो पहले, समझो पहले क्या चीज़ है। और हकीकत ये भी बहुत बड़ी बात है जो बंदा इतना पैसा खर्च भी कर रहा है, हालांकि मैं बहुत सस्ते भी स्टंप पट्टे दे रहा हूँ क्योंकि क्लब के और रेस के लिए पट्टे जल्दी को देता भी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसी तरह से बने रहिए, इस फैमिली का हिस्सा बनते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, निकले मेरे भाई तो जाते थे। दोस्तों ये हमारे अब्बास भाई गिफ्ट लेके आए हैं अजमेर से हमारे लिए, काफ़ी अच्छे अत्तर है और ये सनाया ली बेल और ये परफ्यूम हमारे जो है अपनी शॉप से लेकर आए हैं हमारे लिए गिफ्ट। तो थैंक यू अब्बास भाई, बहुत बहुत थैंक यू।